नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्टोरिकल पैलेसेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे किले के बारे में जिसे हर किसी ने जीतना चाहा था, फिर भी आज अपराजय किला कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कालिंजर किले के बारे में। तो आज के वीडियो में हम बताएंगे कालिंजर किले का इतिहास और उससे जुड़ी हुई कुछ कहानियों के बारे में। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है, अंत तक बने रहें। दोस्तों, आज हम भारत के सबसे विशाल और अपराजय किलों में से एक कालिंजर किले का इतिहास और घूमने की जानकारी बताने वाले हैं। एक महल जैसा रहा शानदार किला आज खंडर में तब्दील हो गया है। कालिंजर पहाड़ी की चोटी पर स्थित यह दुर्ग में से कई स्मारकों और मूर्तियों का खजाना है। उससे इतिहास के विभिन्न पहलुओं का पता चलता है। चंदेल वंश के शासनकाल में बना किलों की चंदेलों की भव्य वास्तुकला का उदाहरण है। यह विशाल किले में पर्यटकों को भव्य महल और छतरियां देखने को मिलती है। उस महल एवं छतरियों पर बारीक नकाशी और डिजाइन भी बनी हुई है। सतयुग में कीर्तिनगर, त्रेता युग में मध्यगढ़, द्वापर युग में सिंहलगढ़ और कलयुग में कालिंजर के नाम से प्रसिद्ध हुआ यह किला अति भव्य स्मारक है। आपको बता दें कि यह एक ऐसा किला है जिसे हर किसी ने जीतना चाहा है, फिर भी आज अपराजय किला कहलाता है। कालिंजर दुर्ग में भगवान शिव को समर्पित नीलकंठ महादेव का एक अद्भुत मंदिर भी है। तो चलिए कालिंजर किले की जानकारी बताते हैं। इतिहासकारों के अनुसार 7वीं शताब्दी में कालिंजर शहर की स्थापना हुई थी। कालिंजर शहर के राजवी केदार राजा ने उसकी नींव रखी थी, लेकिन चंदेला शासकों के समय में यह बहुत प्रसिद्ध हुआ था। लेकिन कुछ कहानियों के अनुसार यह किले का निर्माण चंदेला राजाओं के करवाने के भी प्रमाण मिलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि चंदेला को कलंजराधिपति की उपाधि भी यही स्थान पर हासिल हुई थी। यह किले के कई महत्व को दर्शाती है। यह किले का उपयोग युद्धों और आक्रमण के समय में किया जाता था। कई हिंदू राजाओं और मुस्लिम शासकों ने इस किले को प्राप्त करने के लिए युद्ध किए, लेकिन कालिंजर किला पर कोई भी राजा ज्यादा समय तक राज नहीं कर पाया था। बुंदेलखंड का कालिंजर किला पहाड़ों पर सीना ताने खड़ा हो ऐसा प्रतीत होता है। उसमें कई रहस्य हैं। उसमें से कहीं तिलिस्मी चमत्कार, कहीं खौफनाक हवेलियां और किले के किस्से अब तक आपने सुने होंगे। शानदार किला आज खंडर में तब्दील हुआ है, लेकिन यहाँ के वीराने आज भी किसी के जिंदा होने का एहसास कराते हैं। गुफाओं में मकड़ी के जाले और घूरती बिल्लियों की निगाहें रोंगटे खड़ी कर देती हैं। रहस्यमयी गुफा में घना अंधेरों और उसमें से अजीब तरह की आवाज़ें आती है। कालिंजर किले पर बहुत सारे आक्रमण भी हुए। मोहम्मद गजनी ने 1023 में किले पर आक्रमण किया था। पूरे इतिहास में सिर्फ मुगल सम्राट बाबर ही ऐसा था जिसने 1526 में कालिंजर में अपना आधिपत्य स्थापित किया था। कालिंजर किले में ही 1545 में शेरशाह सूरी की मौत हुई। ब्रिटिश सेना ने 1812 में बुंदेलखंड पर आक्रमण कर दिया था। बहुत ही लंबे समय के युद्ध के बाद अंग्रेजों को यह किला हासिल हुआ था। अंग्रेजों ने जब कालिंजर शहर पर अपना अधिकार जमाया, उसके पश्चात यह किला ब्रिटिश अधिकारियों को सौंप दिया गया। उन्होंने यह किला को क्षतिग्रस्त कर दिया, लेकिन उसको संपूर्ण नष्ट नहीं किया। पर्यटक आज भी किले को देख सकते हैं। विध्वांचल की पहाड़ी पर 700 फीट की ऊंचाई पर कालिंजर दुर्ग स्थित है। दुर्ग की ऊंचाई 108 फीट है। किले की दीवारें चौड़ी और ऊंची बनाई गई है। यह मध्यकालीन भारत का सबसे सर्वोत्तम महल माना जाता है। यह दुर्ग की स्थापत्य में कई शैलियां प्रदर्शित होती है, जिसमें गुप्त शैली, पंचायतन नागर शैली और प्रतिहार शैली मुख्य है। किले के वास्तुकार ने उसमें बेहद संहिता एवं अग्नि पुराण का ख्याल रखते हुए दुर्ग के मध्य में अजय पालका नाम की एक झील भी मौजूद है। उस झील के नज़दीक कई प्राचीन मंदिर भी देखने को मिलते हैं। कालिंजर किले के प्रवेश के लिए 7 दरवाजे निर्मित किए गए हैं। यह 7 दरवाजे एक दूसरे में भिन्न शैलियों से अंकित किए गए हैं। कुछ किंवदंतियां कहती है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तब मंथन के बाद भगवान भोलेनाथ ने यही स्थान पर समुद्र से निकला जहर पिया था। जब शिवजी भगवान ने उस जहर को पिया तो शिवजी का गला नीला हो गया। उसी कारण से
शिवजी नीलकंठ के नाम से जाने जाते हैं। जहर यह स्थान पर पीने की वजह से कालिंजर में भगवान शिव के मंदिर को नीलकंठ के नाम से जाना जाता है और यहाँ के पवित्र स्थान भी माना जाता है। यहाँ की भूमि प्राकृतिक शांत और ध्यान लगाने के लिए एक आदर्श जगह है। अगर आप कालिंजर फोर्ट पहुँचना चाहते हैं तो आपको बता दें कि कालिंजर फोर्ट जाने के लिए रेलवे मार्ग को पसंद करते हैं तो आपको बता दें कि उसका नज़दीकी रेलवे स्टेशन बांदा है, जो कालिंजर किला से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। बांदा झांसी बांदा इलाहाबाद रेल लाइन पर स्थित है। यह किला बांदा रेलवे स्टेशन से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप कालिंजर फोर्ट जाने के लिए सड़क मार्ग को पसंद करते हैं तो आपको बता दें कि यहाँ तक जाने के लिए बुंदेलखंड क्षेत्र के बांदा जिले से पहुँच सकते हैं। यहाँ बांदा शहर से 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप कालिंजर किला जाने के लिए फ्लाइट पसंद करते हैं तो यहाँ का सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा खजुराहो कालिंजर से 130 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ से आप बस या टैक्सी के द्वारा कालिंजर किला पहुँच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज मिलते रहे। और आप भी अगर किसी जगह के बारे में वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम जल्द से जल्द वहां का वीडियो लेके आएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, जल्दी ही फिर मिलेंगे एक नई जगह और एक नए वीडियो के साथ। तब तक एंजॉय करें, खुश रहें। धन्यवाद।